वनडे सीरीज में लगातार दो हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की है तीसरे ओडीआई मैच में। अब बारी है चौथे ओडीआई मैच की, जो कि चौथा ओडीआई मैच 10 मार्च को मोहाली में खेला जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे ओडीआई मैच के बारे में, जो कि चौथा ओडीआई मैच 10 मार्च 2019 को खेला जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में उसके प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से भारत के 11 खिलाड़ी खेलेंगे चौथे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि चौथे ओडीआई मैच में कई सारी चेंजेस होने वाली हैं टीम इंडिया में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यह मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा, वहीं इसके मैच प्रीव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है 5 ओडीआई मैचों की सीरीज, जो कि अभी तक दोनों टीमों के बीच 3 ओडीआई मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां स्टार्टिंग के 2 ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दोनों ही ओडीआई मैच लगातार जीता था। तो वही अब तीसरे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कमबैक किया है और तीसरा ओडीआई मैच जीत लिया था। इसी के साथ इस 5 ओडीआई मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है, यानी कि अब भारतीय टीम को यह सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे 2 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे 2 मुकाबले लगातार जीतने होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा ओडीआई मैच 10 मार्च 2019 संडे को खेला जाएगा, जो कि यह मैच मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच भी दोपहर 1:30 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1:30 PM से। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहाली का ये पिच हाई स्कोरिंग पिच है, यहाँ पर बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और यही वो पिच है जिस पर रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी स्कोर किया था। दोस्तों, चौथा ओडीआई मैच काफ़ी टक्कर काफ़ी रोमांचक का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलियाई टीम भी फॉर्म में वापस आ चुकी है और खास करके आरोन फिंच का फॉर्म में आना यह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया के जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी लास्ट के 2 ओडीआई मैच में नहीं खेलेंगे, उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, यानी कि अब चौथे ओडीआई मैच में महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे। तो गाइस, अब बिना देरी के वे चलिए बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे भारतीय टीम की तरफ से चौथे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि एक कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम कितना ज़्यादा रन स्कोर करेगी। वहीं से ऐप की खास बात यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। तो खेलो, जीतो और पैसे कमाओ। दोस्तों, अगर हम बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में चौथे ओडीआई मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर बात की जाए ओपनिंग बल्लेबाज की, यानी कि सलामी जोड़े की, तो नंबर 1 पर होंगे रोहित शर्मा, टीम इंडिया के जबरदस्त बल्लेबाज, जो कि इस टाइम पर उतने अच्छे लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चौथे ओडीआई मैच में इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी। वहीं अगर बात की जाए नंबर 2 की, तो यहां पर शिखर धवन की जगह पर KL राहुल को खिलाया जा सकता है और ये वर्ल्ड कप 2019 से पहले लास्ट सीरीज है टीम इंडिया की। ऐसे में KL राहुल को जब तक खिलाकर देखा नहीं जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि ये वर्ल्ड कप में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में शिखर धवन या फिर KL राहुल में से कोई एक खेलेगा चौथे ओडीआई मैच में। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन, जो कि इस टाइम पर लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे अंबाती रायडू, जबकि नंबर 5 पर होंगे ऋषभ पंत, टीम इंडिया के जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज, जो कि ये महेंद्र सिंह धोनी की जगह पर खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर बात की जाए नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे केदार जाधव, टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर। अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर होंगे विजय शंकर, टीम इंडिया के ऑलराउंडर। तो वहीं उसके बाद नंबर 8 पर भी एक बहुत ही बड़ी चेंजेस देखने को मिलने वाली है, जो कि रविंद्र जडेजा की जगह पर युजवेंद्र चहल को खिलाया जा सकता है, क्योंकि जडेजा एज अ ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं और इनकी परफॉर्मेंस अभी तक कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं रही है। ऐसे में युजवेंद्र चहल एक जबरदस्त लेग स्पिनर हैं और काफ़ी शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा चौथे ओडीआई मैच में। वहीं अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर होंगे कुलदीप यादव, टीम इंडिया के बेहतरीन चाइनामैन स्पिनर। तो वहीं उसके बाद नंबर 10 पर मोहम्मद शमी की जगह पर भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिखाई देंगे, अगर मोहम्मद शमी मैच से पहले पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए तो, क्योंकि दोस्तों तीसरे ओडीआई मैच में इनके पैर पर बॉल लग गई थी जिसकी वजह से अनफिट दिखाई दे रहे थे। वहीं अगर हम बात के नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के जबरदस्त फास्ट बॉलर। दोस्तों, ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जो कि ये 11 खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं चौथे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। आपके हिसाब से चौथा ओडीआई मैच कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? वहीं कौन से भारत के 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए चौथे ओडीआई मैच में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। वहीं क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपके पास लगातार वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंच जाए।